अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त सहर हयात की शादी है, जिसको आप में से अक्सर लोग जानते हैं। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सहर की शादी कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है, कौन है लड़का, क्या करता है। तो आज आपको उससे मिलवाते हैं, और उससे पहले जाने से पहले ये आप गाड़ी की हालत देख लें। गाड़ी की हालत इसलिए है कि मेरी ड्यूटी थी ऑब्वियसली, खबरें पढ़नी होती हैं। तो बुलेटिन के बाद मुझे थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिला, तो मैंने क्या किया, मैंने कपड़े नहीं निकाले हुए थे जाने के लिए इवेंट के, मुझे था कि मैं आऊँगा वापस और फिर वापस आके मैं कपड़े निकालूंगा, लेकिन फिर बहुत लेट हो जाना था। फिर मुझे छोटी सी एक ब्रेक मिली, घर आया, घर आके मैंने अपना ये शलवार कमीज धोया और धो के स्पिन करके मैंने प्रेस कर लिया और मैं साथ ले गया ऑफिस, और फिर मैंने इसको पहना। और ये देख सकते हैं आप मेरी ऑफिस की शर्ट और पैंट वगैरह इधर है, कोट भी लटका हुआ है। तो ये अब हमने कपड़े पहन लिए, अब हम चलते हैं शादी पे और आपको दिखाते हैं आज क्या है। शादी तो हो रही है, कल निकाह है, और आज निकाह से पहले एक रस्म है, मेहंदी लोग कहते हैं, उपटन कहते हैं, वैसे उपटन की रस्म है। तो चलते हैं और रस्म आपको भी दिखाते हैं। तो जी सीधा हम आ गए हॉल में, सहर हयात एंड क्या लिखा हुआ था पीछे करके दोबारा देख लेंगे। मदिया भाभी गुजरी हैं, ये ऐसन खड़े हैं, और ये पिक्चर्स हो रही हैं इकरा की, और बस यहाँ पर सबको अपनी बड़ी हुई है, सारे अपनी अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं ज़ाहिर है, क्योंकि अभी तक ना दुल्हन आई है ना दुल्हा है। अब ऐसन को हम कहेंगे, ऐसन साहब आप हमें ज़रा कोई पोज शोज मार के दिखाएं प्यारे प्यारे, और फिर ऐसन कहेंगे एक मिनट पहले मैं अपनी ऐनक लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पोज मार के दिखाऊंगा, और फिर तेन काला चश्मा ये वाला सीन हो गया, ठीक है। वीडियोग्राफी भी पूरी हमने आपको दिखा दी, अब हम ज़रा भाभी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाभी बहुत बिजी हैं ज़ाहिर है, उनका अपना व्लॉग चल रहा है, तो हमसे कैसे वो बात कर लें। और जा रही हैं शहर के पास कि शायद शहर की एंट्रेंस होने लगी है, और सब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हॉल में आएगी, मगर अभी नहीं, अभी इंतज़ार है भाई, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली शहर की खड़ी हुई है, वेट कर रही है, सब वेट कर रहे हैं। डेकोर पे आ जाते हैं जी, बहुत अच्छा प्यारा सिंपल सा डेकोर हुआ हुआ था, उपटन की रस्म है, और उसकी मुनासबत से डेकोरिया ने बहुत अच्छा डेकोर किया है। आपने भी डेकोर करवाना हो तो डेकोरिया को आप कह सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पेज पर रब्ता कर सकते हैं। और सामने आ गई डेकोरिया की जो CEOs हैं, और अब जो है जी हम हाय हाय कर लेते हैं, हेलो हेलो सबको, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सबको। और अब हम जो है बच्चों से भी सलाम कर लेते, बच्चों कैसे हो सलूट हेलो। अच्छा जी चले जी, क्यूट बच्चे ये देखें जी, हमारा भाई और हमारी भाभी कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, दोनों एहसन और मदीहा, और ये अल्लाह पाक इनको ऐसे ही बस हमेशा खुश रखे, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं इनके लिए दिल से निकलती हैं। तो ये हैं जी दुल्हे वाले, और ये दुल्हे की फैमिली आ चुकी है, और ये भी ऑब्वियसली कोई रस्म होती है जिसका मुझे नहीं पता है, मतलब ठीक है सब कुछ नहीं पता होता इंसान को। और ये दानियल सोहेल भी ब्लॉग कर रहे हैं, बस मैं चकरा गया हूँ, उसके हर तरफ कैमराज ऑन है मेरी तरह, ये देखें एक दो वो तीन, और वो पीछे चौथा कैमरा मदीहा का है। इकरा चल रहे हैं, इकरा को कैमरा नहीं चाहिए, इकरा ग्रूव कर रही हैं, और ये अब हम मदीहा का व्लॉग ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब हम में मदीहा कुछ कहना चाह रही हैं, मतलब हम धमकियां दे रही हैं कोई हम, लेकिन हम इनकी बात नहीं बता सकते आपको, आप ऐसे मदीहा को कुछ कह रहे हैं और हम वो बात भी आपको नहीं बता सकते। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दोबारा से डेकोर की बात करते हैं, देखें कितना प्यारा डेकोर, गाना बजाना, मेहंदी समथिंग। और ये वो मौका था, ये वो टाइम जब एहसन और मदीहा को जाना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फैमिली में एक एमरजेंसी हो गई थी, और ये बच्चा अचानक से गिर गया, प्यारा सा छोटू सा बच्चा। और ये हो गई जी एंट्री, जिसका सबको इंतज़ार था कि कब आएंगी सहर, और दुल्हा मियाँ कौन है, तो आप देख सकते हैं जी दुल्हा मियाँ, और माशाल्लाह से कितना अच्छे तरीके से ख्याल कर रहे हैं अपनी होने वाली बेगम का, क्योंकि कल माशाल्लाह से निकाह है। तो सहर भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली हॉल में बड़े मज़े मज़े के गाने लगे हुए थे, तो वो अपनी दोस्तों के साथ झूम रही हैं, और अब उनकी एंट्री हो चुकी है, अभी कुछ ही देर में जा कर अपने स्टेज पे बैठ जाएंगी, और फिर जो रस्म है वो शुरू हो जाएगी, और मुझे पहले सीखनी पड़ेगी ऑब्वियसली कि क्या करते हैं इस रस्म में, और फिर हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एंट्री देखें। तो
मैंने कहा एंगल चेंज करते हैं, उस एंगल पे मैं काफ़ी बोर हो गया था, मैंने कहा आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो इस साइड पे आया, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने कहा फिर से एंगल चेंज करते हैं, सामने जाते हैं, सारे सामने, मैं साइड पे क्यों है। मैं सामने आ गया और जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक आंटी आई, आंटी ने कहा बेटा परे हो मुझे जगह दो। तो मैंने कहा आंटी ज़रूर आप आगे आए, आपका हक है। ये आंटी गुजर गई और फिर हमने कहा सारे परे परे हो जो, अब देखना सारे साइड पे होंगे, सारे परे परे हो जाएंगे और हमारे लिए जो है रास्ता साफ होगा और हमारी, ताकि वीडियो अच्छे तरीके से बन सके और आप लोग शहर को और समी को देख सकें। और आप देखिएगा माशाल्लाह रौनक जो है चेहरे के ऊपर, जो हंसी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह दोनों कितने खुश हैं। और शहर से जब हमने पूछा कि भाई ये अचानक से कब हुआ, कैसे हुआ, तो शहर ने कहा कि ये एक तरफ से लव मैरिज है, दूसरी तरफ से अरेंज मैरिज है। तो अब ये आपने गेस करना है कि ये लव मैरिज किसकी तरफ से, अरेंज मैरिज किसकी तरफ से है। लेकिन माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। और सिमी को देखें, सिमी बहुत डांस कर रही है। सिमी जो शहर की दोस्त है, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं। भाई कौन सा गाना होगा, चलें गुजर गया, आगे आ जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह से इन दोनों के हाथ पे क्या लिखा है, जूम करें जी, जूम, समी एंड सहर, ये लिखा हुआ है जी दोनों के हाथ के ऊपर। और माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये हो गया जी फैमिली शॉट, सहर की बहनें हैं, सहर की वालिदा हैं, और सामने जो है मुझे लगता है ये समी की दादू हैं, मुझे कन्फर्म नहीं है बट मैं ज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था। और ये अब मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब कुछ ही देर में रस्म भी शुरू हो जाएगी। और रस्म कैसे होती है, क्या करते हैं इसमें, ये मैंने भी बताया ना, मैंने भी सीखना है, मैंने जानना है, और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा फिर हम कर लेंगे उसको। और फिर एक और बड़ी मज़े की बात है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अभी आप देख लें जी, ये फैमिली की फ़ोटो हो रही है और ये शहर मुझे पता नहीं क्यों मुँह चढ़ा रही है, लेकिन शहर बींग शहर तो उसका क्या किया जा सकता है। तो अब देखें समी कह रहे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो अब ये माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है कंप्लीट हो गई और समी भी आ गए क्योंकि। और ये एंट्री हुई है जी जुलकर नैन और कमल की। और जुलकर नैन जो हैं परेशान परेशान दिखाई दे रहे हैं और अब जुलकर नैन उधर जाएंगे। अब ये जुलकर नैन पहले समी से मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ पर जाके समी के साथ खड़े होंगे और फिर ज़ाहिर तस्वीर बनाएंगे। और ये देखें जी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अभी तो ये आ गए हैं तो ज़ाहिर है फिर इनके साथ तस्वीरें तो बनेंगी, सबकी बनेंगी भाई। तो जुलकर और कंवल की तो तस्वीरें बन रही, वो पीछे के दो लोग खड़े हैं, वो क्या गॉसिप कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं और गॉसिप की बातें बात करेंगे। तो इकरा आ गए हैं और ये तो मैं भी आ गया हूँ। और अरे वाह ज़बरदस्त रेड वेस्ट कोट, ज़बरदस्त 5 साल पुरानी वेस्ट कोट आज भाई ने निकाल के खुद में से प्रेस की है और पहनी है, लेकिन नॉट बैड, हाँ लुकिंग शार्प, वेरी नाइस। और ये हम मिठाई का क्लोजअप बनाते हुए, और क्योंकि दुल्हन और दुल्हामिया को मिठाई खाने की पड़ी हुई थी तो मिठाई खाई जा रहे थे, ये खुद ही मिठाई खाई जा रहे थे और मेरा इतना दिल कह रहा था, लेकिन मैं क्या करता। अब ये देखें कहा तो ना तस्वीरें तो बनेंगी, आए हैं तो तस्वीरें बनेंगी। और ये जुल्के नैन की शक्ल देखने वाली है एक दफ़ा कि मैं कहाँ फंस गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई जान, जब ज़ाहिर है इतने मशहूर हो गए तो ये तो होगा। हाँ जी, खाना नहीं खा रहे? नहीं, मैं घर से खा के आया हूँ। क्या खा के आया? मैं घर से खा के आया हूँ चावल। चावल खा के आया हूँ। अभी मुझे जुल्कर ने टिप्स दिए कि वीलॉग हाँ शूट कैसे करना है, ऐसे करके मैं नजर आऊंगा। सही बात है यार, प्रोफेशनल तुम्हारी कच्चे पट्टी होती है ना। क्या होती है? क्या मैंने कहा तुम्हारी कच्चे पट्टी होती ना सारी आनी थी। वो कहता कहीं भी कुछ इसे नहीं भी बोलनी होती। अच्छा कैसे छोड़ के आ गए आज उस प्यारी नन्ही परी को, कैसे मैनेज कैसे कर रहे हो? उसकी दादो और उसकी नानो उसके पास है जिन्होंने हमें यहाँ तक बड़ा किया। सो यू डोंट वरी। इसके मैंने एक्सप्रेशन देखे थे उस दिन जब गोद में उठाया हुआ था। माशाल्लाह कैसा लगता है वैसे जब घर छोड़ के आते हो? परेशान बंदा रहता है लेकिन कोई नहीं एंजॉय करते हैं। चलो माशाल्लाह। जी वो पुड़ी खा ले। क्या करनी? हाँ वो मैंने खाई है। खाई है।
तो अभी जी हम सैद की शादी पे आए हुए हैं, ताया दानियाल साहब भी आए हुए हैं। हाँ, खाने की बात हो रही थी, खाने का इसे बेहतर कौन बता सकता है। ये डिस्कवर पाकिस्तान पे देखा तो होगा आपने, सारे लाहौर के खाने, सिर्फ लाहौर के क्या, सारे पूरे पाकिस्तान के खानों का भाई बता रहे होते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं बुलाया खाने। आए आपको मैं खाना खिलाऊंगा। हाँ, आप भी ना, हम वीडियो बनाते हैं आपका खाना अच्छा है, वीडियो बनाते हैं, पे करके बनाते हैं। अच्छा, पे करके, अच्छा पे करके बनाते हो, पे करके जो खा यार, पे करते हैं क्या? हाँ यार, मतलब जिस रेस्टोरेंट का ये करते हैं कि हम वीडियो बनाएंगे, आपके पास क्लाइंट आएंगे, वो आपको पे होगा। खाते हैं और कहते हैं जो हमने खाया हम इसके पैसे आपको देंगे। अगर एक रोटी से ज्यादा खाई तो हमारे पे हराम है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे, वो कहते हैं नहीं हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, आप फ्री में खाएं। और आपको ये बात पहले पता होती है, पैसे नहीं लेंगे ना वीडियो बनाएंगे, बैठ जाएंगे। और इनको ये बात पहले पता होती है कि पैसे पूछे तो किसी ने लेने नहीं है, जाहिर उनको पता है वीडियो बन रही है तो बस कह देते एक दफा। नहीं जी, ये आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त शहर और समी की उपटन रहा है मैम, और ये बहुत अच्छा डिकोर किया हुआ है विक्टोरिया ने, और वो सामने रस्म चल रही है और यहाँ पे गॉसिप हो रहा है, और वो सामने खाना चल रहा है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुल्हन खाना खा रही है। सर मैं देख लें एक्सपर्ट हो गया अली ना, अली और नाजरीन जिसका इंतजार था वो शाहकार आ चुका है। अच्छा, ऐसे शुरू करते हैं नाजरीन, आपको पता चले वो भी कितना हैरान होके देख रही है, वो तो सीरियसली हो गया। नहीं जी, तो अब होने लगा कमल और जुल्कनैन का फ़ोटोशूट, और यहाँ पर आगे एक फ़ोटोशूट चल रहा है, पीछे एक अलग फ़ोटोशूट चल रहा है, और ज़ाहिर है रस्म चल रही है, और इनके फ़ोटोशूट होगा, मिलना मिलाना होगा। और ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब होने जा रही है मुलाकात, शहर की अम्मी है जो कि कमल से मिल रही है। और ये देखिए जी, ये तो मैं आ गया, अब मैं ये जान रहा हूँ, बता रही मुझे शहर के करना क्या है। और अब यहाँ पर शहर ने सारा कुछ समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे याद आया कि यहाँ पे तो पैसे भी कुछ रखने थे, शहर ने ऑब्वियसली मुझे बताया, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहीं से उठा के शहर ने कुछ पैसे मुझे पकड़ाए कि यही मुझ पे वार देना, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी दो नंबरी की है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। देखें, जेन्युइन रीज़न था, वॉलेट गाड़ी में रह गया था और मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसे अभी कुछ होता है। एनीवेज, पहले क्या होता है कि मेहंदी आपने लेनी होती है, और वो जो हाथ में जो नोट है उसके ऊपर वो मेहंदी लगानी है, उसके बाद ऑयल लेना है, बालों पे दोनों के लगाना है, और उसके बाद आपने लेना है उपटन, उपटन को भी आपने नोट के ऊपर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगाना है, और उसके बाद आपने अपने हाथों को ज़्यादा साफ कर लेना है, क्योंकि आपने मिठाई खिलानी है दोनों को, गंदे हाथों से तो नहीं खिलाएंगे ना, तो फिर मिठाई खिलानी है। और ये वो टाइम होता है जब दुल्हा और दुल्हन कह देते हैं कि बस माफ़ी दे दो, और मीठा खाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर 100 बंदा आया ना तो 100 बंदे ने आके मिठाई खिलानी, इनके मुंह में डालनी है। मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं भी आज आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, और मैं सबको कहूँगा भाई पूरा पीस खिलाना तो खिलाओ, नहीं तो जाओ। नहीं जी, दिस इज़ इट फॉर टुडे, कल निकाह है, कल आपसे मुलाकात होगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।